दोस्तों आज की कहानी है बहू, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखो मोन बेटा, तुम भैया को अपने पास लेकर चले जाओ या गांव में अकेले कैसे रहेंगे। भाभी के जाने के बाद बहुत खोए खोए से रहने लगे हैं। अब मेरे हाथ पैर भी कमज़ोर पड़ गए हैं बेटा, और तुम्हारी सासी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अब मैं और तुम्हारी सासी शहर में अपने बेटे राकेश के घर जाकर ही रहेंगे। गांव से फोन करके मोहन के सासा जी ने कहा। तो मोहन बोला, आप सही कह रहे हैं सासा जी, लेकिन पापा किसी की भी नहीं सुनते। माँ की बरसी से पहले वह घर छोड़ना नहीं चाहते। मैं भी नौकरी की वजह से 2-3 महीने में ही सकर लगा पाता हूँ। बच्चों के स्कूल की वजह से कोमल भी नहीं जा पाती। कल से बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं। हम सब वहाँ पर आएंगे और पापा को अपने साथ ले आएंगे। इसी बीच में माँ की बरसी भी हो जाएगी। आप और सासी वहाँ पर थे, इसी वजह से हम लोग भी बेफिक्र थे। लेकिन इस बार समझा बूझकर मैं पापा को अपने साथ लेकर ही आऊँगा। आप चिंता मत करें। अगले दिन बच्चों की छुट्टी पढ़ते ही ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी लेकर मोहन अपने पापा के पास गांव में चला जाता है। माँ की बरसी विधि विधान से करने के बाद मोहन और कोमल समझा बुझा कर रमेश जी को अपने साथ ले आते हैं। मोहन और कोमल अपने पिता को बड़े आदर के साथ रखते थे, लेकिन फिर भी उनका मन वहाँ पर नहीं लग पा रहा था। वे वहाँ पर अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। कोमल ने महसूस किया जैसे रमेश जी उनके घर कुछ सकुशाए से और बूझे से रहते हैं। उन्हें लगा शायद माँ की कमी होने की वजह से वह इस तरह रह रहे हैं। लेकिन एक दिन कोमल ने उन्हें सासा जी से बात करते हुए सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोल रहे थे कि अब बाकी की उम्र बच्चों के सारे ही काटनी है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इन्हें कोई परेशानी हो, इसलिए मैं इनसे किसी चीज़ की मांग नहीं करता। जो दे देते हैं वही खा लेता हूँ। मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जब मैं स्थायी रूप से यहाँ पर रहूँगा तो कहीं मैं इन पर बोझ ना बन जाऊँ। मैंने अपने बहुत दोस्तों से सुना है कि गांव से शहर जाने पर उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और कुछ दिन बाद ही उनसे काम कराना शुरू कर देते हैं और ढंग से खाना भी नहीं देते, और कुछ दिन बाद वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। मेरी तो पैसन भी नहीं आती है, मैं तो पूरी तरह से लाचार हूँ। इस उम्र का नहीं पता कि कितनी लंबी है। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी भाभी मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। खुद तो छूट गई और मुझे छोड़ गई। अपने ससुर की बात सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। उसे उनकी परेशानी समझ आ गई थी। उसने मोहन को सारी बात बताई। मोहन भी अपने पिता की बातें सुनकर रोने लगा और कोमल से बोला, हमें पापा के मन से ये डर निकालना पड़ेगा, जिससे पापा को हमारे साथ रहने में कोई परेशानी ना हो। बच्चे और बूढ़े एक जैसे ही
होते हैं उन्हें धीरे धीरे प्यार से ही समझाना पड़ेगा कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कोमल मोहन के साथ रमेश जी के कमरे में जाती हैं तो वे उठकर बैठ जाते हैं। मोहन अपने पापा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, पापा आप हमारे लिए कभी बोझ नहीं हो सकते, क्या आपको अपनी परवरिश पर विश्वास नहीं है? मैंने बचपन से आपको और माँ को दादी बाबा की सेवा करते हुए देखा है, जिनके बदले में आप उनसे ढेर सारे आशीष पाते थे। मेरे अंदर आपके दिए हुए संस्कार आपने कैसे सोच लिया? आप अपने बेटे के घर रह रहे, ये घर आपका है, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। एक दिन तो इस उम्र में सभी को आना है और जो जैसा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ करेगा उसे वैसा ही अपने बच्चों से मिलेगा। आपके कमरे की अलमारी में ही आपका वह डब्बा रखा जिसमें आपके पैसे रहते थे, हम गांव से लेकर आए, भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने पापा का डब्बा कभी खाली नहीं होने दूंगा। आपका जैसा मन हो अपने पैसे खर्च कीजिए। रमेश जी अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनकी बहू भी नम आँखों से यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ पापा के मन की बात हमने जान ली। अगर उस दिन फोन पर बात नहीं करती तो पता ही नहीं चलता और पापा अंदर ही अंदर घूंटते रह जाते हैं।